कहना चाहवांगा कि असी हार्ट डिजीज़ तो बचन वास्ते लाइफस्टाइल नू इंप्लॉय करना है वो एक सच है। इनू मोनीटर करो, हर बंदे नू इस गल की जानकारी हो कि ए बी सी डी याद रखे। ए मतलब अगर वो डायबिटिक है तो उन्होंने अपना A1C 7% रखे। बी मतलब उसका ब्लड प्रेशर जो उसका दूसरा रिस्क फैक्टर है आप डिस्कस किया उन्हें नॉर्मल रेंज में रख। कुछ लोगों वास्ते 103/90 मोस्ट ऑफ द टाइम वुड बी द टारगेट ब्लड प्रेशर। सी अपने कोलेस्ट्रॉल्स नू रेगुलरली चेक कराता है और उन्होंने नॉर्मलसी के उत्ते डॉक्टर को सलाह लगी उन्होंने उदा ही ना छड़ देवे रिपोर्ट देख के। और डी फॉर डू नॉट स्मोक। बस ये चार चीज़ा कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स ने जिन्हों पर ध्यान दो। जेनेटिक्स नू असी बदल नहीं सकते, कोई अपने माँ प्यो नहीं बदल सकता, ठीक है। सो जेनेटिक्स आर गोइंग टू स्टे, बट वंस तुहानू पता है कि तुहाडी फैमिली च है तो तुसी ज़्यादा केयरफुल हो जाओ। और वो केयरफुल होने वास्ते चार चीज़ों नू बार 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 मोनीटर करो। और नॉन कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स भी देखो। स्ट्रैस एक बहुत वड्डा फैक्टर है, वो दे उत्ते भी पूरा काम करो। मेडिटेट करो, सिमरन करो, रब नू याद करो, पढ़ो, अच्छा पढ़ो, अच्छी नींद लो। जो तुसी स्ट्रैस नू रिड्यूस करोगे तो तुसी अपनी माइंड, बॉडी और सोल नू एक लाइन च लियाओ। सोल विल वर्क बैटर दैन माइंड। माइंड इज़ द बिगेस्ट कल्परेट। बॉडी विल रिलैक्स। 5-5 मिनट करना शुरू करोगे, 10 मिनट हो जाएगा, 15 मिनट हो जाएगा, एक आदत बन जाएगी। जदों तो काम करोगे, काम करते वक्त वर्तमान में जियो। वर्तमान में जियोगे तो सामने वाले नाल उदी आत्मा नाल कनेक्ट होगे, दिमाग तो नहीं। फिर कोई हार्ट डिजीज़ नहीं, फिर कोई ब्लड प्रेशर नहीं, फिर कोई डायबिटीज़ नहीं।